ऐसा लगता है कि डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर पल्लवी ने उन आरोपों के बारे में खुलासा किया है जो नायरा को परेशान करते हैं। डॉक्टर पल्लवी नायरा और कैरा की मदद के लिए कुछ एनजीओ के लोगों से भी बात करती हैं। नायरा को आरोपों और नकदी के प्रबंधन की चिंता के बारे में सुनकर तनाव हो जाता है। इस प्रकार नायरा अंत में अपना मन बना लेती है और कार्तिक से मदद मांगती है। दूसरी तरफ कार्तिक अपने मेहंदी समारोह में व्यस्त है और वेदिका के साथ नृत्य करता है। डॉक्टर पल्लवी कार्तिक और वेदिका को एक साथ नृत्य करती है, जबकि कार्तिक का फोन वंश द्वारा जवाब दिया जाता है और फोन पर वंश को देखकर समर्थ चिल्लाता है और फोन काट दिया जाता है। नायरा ने कार्तिक को याद करते हुए आंसू बहाए और कायर के लिए व्यथित हो गई। नायरा अब क्या करेगी? डॉक्टर पल्लवी गोयनका मिशन में आती हैं और कार्तिक और वेदिका मेहंदी समारोह में भाग लेती हैं। डॉक्टर पल्लवी वेदिका को खुश देखकर खुश हो जाती है और कार्तिक के साथ अपना नृत्य करती है। कार्तिक भी वेदिका को निराश नहीं करता है और उसकी खुशी के लिए नाचता है। नृत्य के बाद पल्लवी ने कार्तिक और वेदिका के साथ अपनी चिंता साझा की। पल्लवी ने खुलासा किया कि गोवा से एक परिवार इलाज के लिए आया है और वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार कार्तिक पैसे दान करने का फैसला करता है और पूरे इलाज का ध्यान रखता है क्योंकि वह इसका कायराव महसूस करता है। कार्तिक अस्पताल आएंगे और कैराव से मिलेंगे, यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। पहले यह देखा गया था कि नायरा कैरावत की भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचती है। यहां दादी स्वर्णभामा नक्ष कार्तिक वेदिका मंदिर में प्रार्थना के लिए भी पहुंचती हैं। हालांकि लाल चुनरी जिसे दादी ने वेदिका के लिए खरीदा था उड़ जाती है। इससे पहले भी दादी ने सगाई के दौरान कार्तिक और वेदिका पहनने के लिए रक्षा सूत्र रखा था, लेकिन वहीं कराव हाथ में जाता है। कार्तिक और वेदिका संग में बुरा शगुन पाने के लिए दादी चिंतित हो जाती हैं, जबकि नयति यह सब कर रही है क्योंकि वह कार्तिक और नायरा को एकजुट देखना चाहती है। दादी ने परोक्ष रूप से नायरा को कार्तिक और वेदिका के लिए बुरे शगुन के रूप में टैग किया। जब वह नायरा की गवाही देगी तो दादी कैसे प्रतिक्रिया देंगी?